मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 KTM Duke 250 का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, KTM एक ऐसा ब्रांड है जो हमेशा यंगस्टर्स के लिए कुछ नया करने की कोशिश करता है, और इस बार KTM ने अपनी सबसे सक्सेसफुल बाइक KTM Duke 250 में ड्यूअल चैनल ABS को इंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों, पहले आपको ड्यूअल डिस्क वाला वेरिएंट मिलता था, लेकिन अब आपको ये दो वेरिएंट में मिल जाती है। अगर आपको ड्यूअल डिस्क वाला वेरिएंट चाहिए विदाउट ABS, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको ड्यूअल चैनल ABS वाला वेरिएंट चाहिए, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अब आपको KTM Duke 250 में भी दो वेरिएंट की चॉइस मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास वेरिएंट है वो विदाउट ABS वाला है, लेकिन अगर आप अपने नियर बाय KTM शोरूम पर कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको ABS वाले मॉडल की प्राइस और डिटेल बता देंगे। दोस्तों, प्राइस के बारे में बात किया जाए तो जो स्टैंडर्ड वाले मॉडल की प्राइस है वो है 2,06,000 ऑन रोड प्राइस दिल्ली, और जो ABS वाले वेरिएंट की प्राइस है वो है 2,15,000 ऑन रोड प्राइस दिल्ली। तो दोस्तों, सीधा सीधा 8,000 से 9,000 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब 9,000 रुपये और भी आपको पे करना होगा ABS वाले मॉडल को बाय करने के, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट प्राइस है ड्यूअल चैनल ABS के लिए। और दोस्तों, KTM में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको बहुत ही कम बाइकों में मिलती है, जैसे कि स्लीपर क्लच, वेरी इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल, मतलब जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला मीटर कंसोल है। और इसमें आपको क्रॉस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, मतलब फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको लेफ्ट में मिलता है और रेयर डिस्क ब्रेक आपको राइट में मिलता है। दोस्तों, इससे होता यह है, जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो ब्रेक है वो एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं। तो यही कुछ मेन फीचर्स हैं जो आपको बहुत ही कम बाइक्स में मिलते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। दोस्तों, इसका जो लुक है वो 80% सेम 390 की तरह दिखता है, मतलब इसको ड्यूक 390 के लुक से इंस्पायर करके डिजाइन किया गया है। सेम बॉडी ग्राफिक्स, एरोडायनामिक लुक्स, मस्कुलर टैंक और शार्प एज एक्सटेंशन जो बाइक को काफी स्पोर्टी फील देते हैं। बस दोस्तों, दो ही चीज है जो इसको 390 के लुक से मैच नहीं कराती है, एक तो इसका फ्रंट हेडलैम्प और दूसरा इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। ड्यूक 390 में आपको TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, लेकिन इसमें आपको सेम ड्यूक 200 की तरह ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। लेकिन दोस्तों, नेकेड सेगमेंट की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल 250cc की बाइक KTM Duke 250 ही है। फ्रंट से देखा जाए तो फ्रंट में आपको बहुत ही शानदार स्लिम डिजाइन में LED फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, और स्ट्रेट शेप्ड में आपको इसका हेडलैम्प देखने को मिलता है, जिसमें कि कॉर्नर्स पर आपको LED DRLs मिलते हैं जो नाइट में आपकी बाइक को एक आई कैची और वाइल्ड लुक देते हैं। और हेडलैम्प इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, और जो हेलोजन बल्ब की विजिबिलिटी है वो काफी बेहतर है, मतलब नाइट में आपको एक अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाएगी। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको इसकी बॉडी पर 250cc का स्टिकरिंग मिल जाएगा, जो अगेन बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है। और इसमें आपको LED टेल लाइट मिलती है, जो कि थोड़ी बहुत पल्सर की टेल लाइट की तरह दिखती है, लेकिन पल्सर की टेल लाइट से ज्यादा मस्कुलर ड्यूक 250 की टेल लाइट दिखती है। और डिवाइडेड सेक्शन में मिलती है, जो बाइक को एक अच्छा इंप्रेशन और लुक देती है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 248.8cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक DOHC इंजन मिलता है, जिसमें आपको 29.91 PS एट 9000 RPM की पावर और 24 Nm एट 7500 RPM का टॉर्क मिलता है। और इसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, किक स्टार्ट का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। और इसमें आपको जो गियर्स मिलते हैं वो आपको 6 गियर्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसका जो की इग्निशन है ना, वो आपको फ्यूल टैंक के पास मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको आपका न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन वार्निंग लाइट, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, शिफ्ट RPM इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और डिजिटल मीटर में टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर, ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस आपको इसमें मिल जाते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोग के डाउट होगा कि भाई ये जो हैंडल निकल गार्ड है ये क्या कंपनी से ही मिलता है। तो दोस्तों, ये जो हैंडल निकल गार्ड है ये हमारे ओनर ने अपनी तरफ से पैसे लगा के अलग से लगवाया है, ये कंपनी आपको नहीं देती है। ये 1,000 या 2,000 की रेंज में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप इसको अलग से लगवा सकते हो, लेकिन ये कंपनी आपको नहीं देती है। सिर्फ आपको बाइक मिलती है ABS के साथ या नॉन ABS के साथ।
और इसमें आपको पल्सर की तरह ही बैकलाइट स्विचेस मिलती हैं, लेफ्ट इंडिकेटर स्विच, पास स्विच, हॉर्न स्विच, जो सारे बेसिक से स्विच आपको हर बाइक में मिलते हैं वो इसमें दिया गया है। और जो बाइक के हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो मिरर की क्वालिटी है वो एकदम बेहतरीन क्वालिटी की है, और जो उसका एरोडायनामिक लुक्स है मिरर के वो भी बाइक को एक स्पोर्टी फील देते हैं। राइट तरफ के हैंडल के बारे में बात की जाए तो राइट में आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है और आपका इंजन किल स्विच भी मिल जाता है। और दोस्तों ABS वाले वेरियंट में आपको आपका ABS इंडिकेटर भी मिल जाएगा। टायर्स और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको WP अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलता है, जिसमें कि 110/70 का टायर साइज मिलता है 17 इंचेस के व्हील के साथ 300mm के डिस्क के साथ। और रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको सेम WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसमें कि 150/60 के इसमें आपको टायर साइज मिलता है 17 इंचेस के व्हील के साथ, और इसमें आपको 230mm के डिस्क मिलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको बायबर के डिस्क मिलते हैं। दोस्तों बायबर एक बहुत ही शानदार डिस्क मेकिंग कंपनी है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी के डिस्क बनाती है, और उनके जो डिस्क हैं वो सालों साल चलते हैं और एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं। सीट के बारे में बात किया जाए तो सेम ड्यूक 390 की इंस्पिरेशन लेकर सीट को डिजाइन दिया गया है। स्प्लिटेड सीट आपको इसमें मिलती है, मतलब इसमें आपको डिवाइडेड सेक्शन में सीट मिलती है, एक राइडर सीट और एक पिलियन सीट, जिसमें कि जो सीट की क्वालिटी है, जो फैब्रिक की क्वालिटी, वो एकदम बेहतरीन क्वालिटी की है, और सीट की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों टैंक को कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया गया है जिससे जो राइडर है वो बाइक को बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाए। माइलेज के बारे में बात किया जाए तो आप हाईवे में 35+ तक का माइलेज गेन कर सकते हो, और सिटी में आप 30+ तक का माइलेज गेन कर सकते हो। और बाकी दोस्तों ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि आप बाइक को किस तरीके से मेंटेन रख रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाते रहता हूं। अभी के लिए थैंक।